Krishna, हे श्याम सुंदर, आज आपने मेरा कितना सुंदर श्रृंगार किया है। आप मेरे श्रृंगार को वर्णन करके सुनाओ। हे राधा रानी, आपके श्रृंगार को वर्णन तो यह चार मुख वाले ब्रह्मा हूँ नहीं कर सके हैं, फिर मैं कैसे कर सकता हूँ? नहीं नहीं, कुछ तो करके सुनाओ। आज तो आपको मेरे श्रृंगार का वर्णन करना ही होगा। चंदा सो बदाना जाने, चंदना को बिंदा दिए। हे किशोरी जी, आपका मुखारवि सुंदर शीतल चंद्रमा के सम्मान है। उस पर केसरयुक्त चंदन का बिंदा शोभायमान है। आपका मुखारवि कमल के भांति कोमल है और चंद्रमा के जैसा प्रकाशमान है। वर्ण के सम्मान आपकी कनकमय कांति है और स्वाद तो अमृत के जैसा मधु है। आपकी चाल देख कर तो यह गजराज भी अधीर हो जाता है। कंचन से बदन पर भ्रमर पर धाय धाय, तिहारो मुख देखे शशिकला हीन भयो है। आपका मुखारविंद देख कर तो यह चंद्रमा भी कलाहीन हो जाता है। क्या आप मेरे मुख को इस तुच्छ कलंकित चंद्रमा की उपमा दे रहे हैं? यह चंद्र तो अनेक दोषों से युक्त है। सर्वप्रथम यह विषबंधु है। हे प्राण प्रिये, यह विषबंधु कैसे है? जा समुद्र सो विष उत्पन्न भयो, वाही समुद्र सो या चंद्र हो उत्पन्न भयो। या तो यह विष को बड़ो भैया अर्थात विषबंधु है और इसी कारण इस पर यह काले काले दाग है। तो क्या मेरा मुख भी इस विषबंधु के समान कलंकित है? दूसरा दोष, यह चंद्र तो टेढ़ा है और टेढ़े तो आप है श्याम सुंदर। और तो और, यह चंद्र दिन प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि मेरी सुंदरता भी दिन प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है? इस तुच्छ कलंकित चंद्रमा के साथ मेरे मुख की क्षमता करके आपने मेरा अपमान किया है और अब मैं यहाँ नहीं ठहरूंगी। हे श्याम सुंदर, आप ऐसे उदास क्यों रह रहे हो, व्याकुल क्यों रह रहे हो? अरे सखी, श्री राधा रानी मुझसे रूठ गई और श्री राधा के बिना मैं नहीं रह सकूंगी। आपसे कोई भूल है गई होगी, कोई चूक है गई होगी, तभी श्री राधा रानी रूठ कर चली गई। हे गोपियों, मुझसे कोई चूक नहीं पड़ी। हाँ, पर आज श्री राधा रानी ने मुझसे यह जरूर कहा था कि मैं उनके श्रृंगार का वर्णन करके सुनाऊं। तो मैंने उनके मुखारविंद की उपमा यह चंद्रमा से दे दी। हे श्याम सुंदर, आप तो यही चूक कर गए, क्योंकि यह चंद्रमा भलो श्री राधा रानी के मुखारविंद की क्षमता कैसे कर सके हैं? जब श्री राधा रानी ने अपना मुख धोया तब उस धोए हुए जल को एकत्रित करके यह चंद्रमा बनाया गया है जो सागर से प्रकट हुआ। हे प्राणेश्वर, तत्पश्चात जब राधा रानी ने अपने हस्त कमलों को छिड़कारा तब उन जल के छींटों से यह तारागण मंडल प्रकट हुआ। तो श्री राधा रानी का अलौकिक रूप है महाराज। हे ललिता जी, हे विशाखा जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप वृंदावनेश्वरी श्री राधे को मना के लाओ, क्योंकि श्री राधा मेरा जीवन है, मेरा सर्वस्व है, मेरा प्राण दान है। हे राधा रानी, आप मेरे श्री, आप मेरे भूल को क्षमा करो, आप मान जाओ ना मेरी और देखो तो सही। राधे मान जाओ ना, राधे मान जाओ। हे प्राणेश्वरी, मैंने अनेक रूप धारण करके बड़ी विलक्षण लीलाएं की, दुष्टों का असुरों का संहार, परंतु यह सब केवल मेरे संकल्प मात्र से ही हो जाता है। आज मैं आपको मनाने में इतना प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी आप नहीं मान रही हो। आज मुझे जितना श्रम हो रहा है उतना कभी नहीं हुआ। हे श्याम सुंदर, आप उदास मत हो, आप मोरकुटर पर जाओ, हम अवश्य राधा रानी को मनाने का प्रयास करेंगे।
और उनके बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकती। परंतु आज मैं उनसे रूठ गई और वे चले गए। अब कहाँ मिलेंगे मुझे मनमोहन श्री कृष्ण, कहाँ मिलेंगे मुझे श्याम सुंदर। हे राधा रानी, हम जान गए कि आप श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सको हो। अरे सखी, मुझको बताओ, मुझे मेरे प्राणधन कहाँ मिलेंगे, उनके दर्शन कैसे मिलेंगे। मैं मान करके तो बैठ गई, परंतु श्री कृष्ण मेरे हृदय में बैठे हैं, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। आप चिंता मत करो, हम अवश्य ही श्री कृष्ण को ढूंढेंगे। चलो, आपको या मोरकुटी या गहवर वन के पास निश्चित ही श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। हे गोपियों, चलो मोर कुटीर पर चले, वहाँ असंख्य मोर बड़ा ही सुंदर नृत्य कर रहे हैं। हाँ हाँ, चलो हम श्री राधा को लेकर आते हैं।
कुटीर पर नृत्य किया। इसके सुंदर दर्शन तो आपने किए, परंतु श्रीमती राधा रानी को एक मोर बड़ा ही अद्भुत प्रतीत हो रहा था। वह दाने न चुककर बार बार श्रीमती राधा रानी को प्रणाम कर रहा था। तभी श्रीमती राधा रानी समझ गई कि वह और कोई नहीं अपितु उनके प्राणधन श्री मनमोहन श्री कृष्ण भगवान हैं। श्री कृष्ण भगवान को मोर रूप में देखकर श्रीमती राधा रानी की भी इच्छा हुई कि वह मयूर रूप में रास करें। आज भी इसी प्रकार वृंदावन धाम में श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी लीलाएं करते हैं। Jai Gopal, Jai Gopal, Jai Gopal.